नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप किसी भी लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं, जैसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, श्रग में, स्टॉल में, शॉल में, स्कर्ट में, फ्रॉक में, और किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी तरफ है यानी जाली देते हुए 3 फंदों का एक फंदा कर लिया। अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। इन्हीं ये पहला फंदा एस स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, यानी कि उन इधर ही रहेगा। 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 1 2 3, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 3 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा, 1 2 3। उन इधर ही रहेगा, 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 1 2 3, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उन इधर है यानी कि हमें जाली डालना है, तो जाली देते हुए इन 3 फंदों को एक कर देंगे। यहाँ पे 2 फंदे घट गए, यहाँ उन इस साइड में है यानी एक जाली बढ़ गया, यानी एक फंदा बढ़ गया। और दूसरा फंदा बढ़ाने के लिए हम इसको इधर ही रखे रहेंगे और 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। ऐसे ही करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 3 फंदा उल्टा बुनते हुए जाली देते हुए एक करना है और फिर 3 फंदों को जाली देते हुए सीधा बना लेना है। और लास्ट फंदा सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड सभी फंदा उल्टा बना लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड 4 फंदा सीधा बुनेंगे। ये पहला फंदा स्लिप कर लिया और 3 फंदा सीधा, 1 2 और 3। और अब उन इधर ही रहेगा और 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 1 2 3, और तीनों को एक साथ लेते हुए 3 का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, यानी यहाँ जाली दिया और 3 का एक कर लिया उल्टा बुनते हुए। अगला 3 फंदा जाली देते हुए सीधा, 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन 3 फंदों को हमने सीधा बुना था, तो इस लाइन में इन 3 फंदों को हमें एक करना है। तो उन इधर रहेगा, इन 3 फंदों को लेंगे और तीनों को उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 3 फंदों को एक किया था, यहाँ देखिए उल्टा बुनते हुए इन 3 फंदों को हमने एक किया था, तो इस लाइन में इन 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है, यानी जाली देते हुए सीधा। यहाँ पे इन 3 फंदों को हमने सीधा बुना था, तो अब इस लाइन में इन 3 फंदों को हमें जाली देते हुए 3 का एक करना है उल्टा बुनते हुए। 3 का तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 3 का एक कर लेंगे। और यहाँ पे तीनों फंदों को हमने एक किया था, तो यहाँ पे हम इन तीनों को जाली देते हुए सीधा बना लेंगे।
लास्ट में चूंकि हमने तीन फंदों को एक किया है, यहाँ जाली दिया है तो एक फंदा बढ़ गया लेकिन दो फंदा घटा है, इसलिए आखिरी फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। यहाँ पे तीन का एक हुआ, एक ये जाली और एक ये जाली, यानी दो फंदा बढ़ भी गया और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। पांचवी लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पे तीन फंदा बुना गया है तो यहाँ पे तीन फंदा जाले देते हुए तीन का एक कर लेंगे। यहाँ पे तीन फंदा एक किया गया है तो इन तीनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आप इसे लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।